मैं शिवांग भसीन एंड वेलकम बैक टू द एस्ट्रोलॉजी चैनल। सो गाइस, आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी इस पर्टिकुलर सेशन को रैप अप करेंगे एंड हम लोग डिस्कस करते हैं कौन से 3 स्टॉक्स पर हम लोग कल बाय करके चल सकते हैं मंडे को। इसके अलावा बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करके चलना है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आज हम लोगों ने एक वेबिनार कंडक्ट करा था। उस वेबिनार के अंदर हम लोगों ने पूरा डिसाइड करा था, पूरा पढ़ा था बैंक टेस्टिंग से रिलेटेड और आपकी साइकोलॉजी लाइव मार्केट के अंदर कैसे प्ले। सो वो वेबिनार पूरा 2.5 से 3 घंटे तक का गया है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस वेबिनार को यूट्यूब के अंदर अपलोड कर दूँ कि आप लोग भी अपना बिहेवियर स्ट्रक्चर समझ पाए मार्केट से रिलेटेड, मार्केट के टाइम पे, ट्रेडिंग के समय, और वहाँ पर आप एक डिसीजन ले पाए बढ़िया सा। सो उसको भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, एज वेल एज मैं नहीं कर पाया तो उस जूम रिकॉर्डिंग का लिंक आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल, बिकॉज वहाँ पर आप लोगों को कल लाइव मार्केट पे कौन से स्टॉक्स को बाय करना है, सेल करना है विद ऑल लॉजिकल रीजनिंग, आपको वहाँ पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अब इसको जल्दी से रैप अप करते हैं। आई थिंक आज थोड़ा सा मैं बिजी था तो मैंने सोचा जल्दी से जल्दी बना लिया जाए। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छी खासी इंपल्स मूव है, कंटिन्यूस बेसिस पे हायर आइज एंड हायर लोज ये मेंटेन कर रहा है। उसके बाद हुआ क्या, ये एक रेंज इसने कंसोलिडेट करी एंड आप देख सकते हैं गोदरेज सीपी हमारा सबसे पहला स्टॉक है। सो गोदरेज सीपी ने एक इस पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट दिया एंड आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट हमें बाय करना चाहिए, आई डोंट थिंक सो। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता रखी है, कोई भी चैनल या कोई भी पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें समझना है कि उसका क्लोजेस्ट जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जाएगा तो हम अपना बाय सेटअप बना सकते हैं। इसका जो क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस है वो उसका स्विंग हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई। अब आप देखेंगे कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर लोज है, लोअर हाइज बन रहे थे, अब ये ऊपर गया और नीचे आया तो इसने लो को ब्रेक नहीं करा, तो यानी कि एक सिनेरियो फुलफिल हुआ, एक बुलिश रिवर्सल का, एक हायर लो क्रिएट हुआ। अब एक हायर हाई भी हमें चाहिए एक बाय सिग्नल के लिए। सो अगर कल ये इसके ऊपर निकल गया रेड ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर तो एक स्विंग हाई ब्रेक हो जाएगा और एक हायर हाई बन जाएगा, तो डेफिनेटली तब हम एक बाय सेटअप पे जा सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा हमें बाय करना है 947-948 के ऊपर और हमारा जो टारगेट होगा दैट शुड बी अराउंड 970-975 रुपीस का। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम इंडस्ट्रीज पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है जो कि सितंबर 2020 से बनती हुई आ रही है और हम मान के चले तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, तो एग्जैक्टली एक बढ़िया सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या होता है, स्टॉक जब भी अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है, अभी तक इसने सिर्फ 2 बार टेस्ट करा और अभी रिसेंटली 3rd बार इसने टेस्ट करा है, तो जब भी टेस्ट करता है ना तो हम लोग देखते हैं कि वो एक बियरिश स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के साथ टेस्ट करता है और वहां पर हमें एक पॉसिबल रिवर्सल देखने को मिलता है जो कि प्रीवियस हाइस को तोड़ के ऊपर जाता है और एक नया हाई क्रिएट करता है। अभी अपनी जब इसने यहाँ पर टेस्ट करा था एक अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट आई थी, अगेन यहाँ टेस्ट करा था एक अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट आई थी। अभी ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में बुलिश मूवमेंट नहीं देता, ये एक अपसाइड हायर हाइस हायर लोस कंटिन्यूस फॉर्मेशन करते करते अप मूव आती है स्टॉक। अब अगर आप देखेंगे तो दोबारा इसने रिसेंटली अभी यहाँ पर एक बार टेस्ट करा है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को, डबल बॉटम क्रिएट करा है रिसेंटली, इसने लास्ट में भी डबल बॉटम क्रिएट करा था और एक अपमूव आई थी। अब आप देख सकते हैं इस अगर हम लोग डबल बॉटम की बात करें तो इस बढ़िया कैंडल बनाने के बाद फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को कल ये ट्रेडिंग सेशन में एक इनसाइड बार बना सकता है, जिस तरीके से ये पैटर्न लग रहा है ये कल एक इनसाइड बार बना सकता है और ट्यूजडे के ट्रेडिंग सेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है या फिर ये कल भी एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है। सो वॉट वी कैन डू, हम इसे ऐड कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। अगर हम लोगों को ये कल स्टार्टिंग में डिप देना स्टार्ट करता है तो हम लोग डिप में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ये कल ऊपर ही जाना स्टार्ट करता है तो हम लोग करेंट लेवल्स पे भी बाय पोजीशन बना सकते हैं। हम जो टारगेट लेकर चल रहे हैं दैट शुड बी अराउंड 1850-1875 रुपीज का। इसको अपडेट करा जाएगा आप लोगों को लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे, तो डोंट यू वरी। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। भाई हमारा 3rd और लास्ट स्टॉक है मयूर यूनिकॉटर्स। मयूर यूनिकॉटर्स पर अगर आप क्लियरली यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्लियरली बेसिस पे देखने को मिल रहा है, बट अगर हम लोग इसे फॉलो ना भी करें, कोई पैटर्न को देखे ही ना, तो एक मेजर रेजिस्टेंस था ये, इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक बहुत अच्छी कैंडल, एक वीकली कैंडल क्लोज करी है मयूर यूनिकॉटर्स ने और आई थिंक अब यहाँ पर एक बुलिश मूवमेंट और तेजी से बढ़ सकता है। अभी करंट प्राइस चल रहा है 614 रुपीज का, ब्रेकआउट आया है 540 रुपीज से, तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोजिंग करी है जो कि अगर हम मान के चले तो एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से थोड़ा हाई है। सो मेरे हिसाब से हमें करना क्या चाहिए, अगर ये कल डिप देता है बाय चांस, अगर हम कल एक डिप देखने को मिलती है तो उस डिप में वी कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर गया, छोटा सा इसने पॉज लिया, कुछ हफ्ते इसने पॉज लिए, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, अगेन इसने बहुत टाइम पॉज लिया, कम से कम मान के चल सकते हैं 3 से 4 महीने इसने पॉज लिया और अब जाके एक रैली दोबारा आ रही है।
सो मेरे हिसाब से अगर हम लोग बाय भी करना चाहें तो ये बॉटम है, दिस इज द बॉटम एंड दिस इज द टॉप. सो मेरे हिसाब से जो रैली देखने को मिल रही है दैट शुड बी अराउंड 720 रुपीज के आसपास तक की एक मूवमेंट मुझे देखने को मिल रही है. सो व्हाट वी कैन डू, अगर कल कोई भी डिप आती है तो वी कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक. वी कांट वेट फॉर दिस लेवल टू बी रीटेस्ट, बिकॉज अगर इस लेवल पर रीटेस्ट आ गया तो इतनी बड़ी फॉल का कोई फायदा नहीं रहा. आप पॉइंट समझ रहे हैं, इतनी बड़ी मूवमेंट करी और अगले हफ्ते इतनी बड़ी गिरावट भी कर दी, सो वहाँ कोई फायदा नहीं होगा. मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करो. छोटी छोटी क्वांटिटीज के अंदर, मयूर यूनिक ऑर्डर्स के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करके या ट्रेड करके चल सकते हैं. अब बात करते हैं अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप की तरफ. सो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया तो हमारी जो डिस्कशन हुई थी वो यही हुई थी कि मार्केट रेंज के अंदर अभी है, पूरे टाइम रेंज के अंदर है. फ्राइडे को भी पूरे सेशन रेंज के अंदर था. तो अगर अब इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ बाय. क्यों कह रहा हूँ, इस रेंज के ब्रेकआउट पे हम लोग बाय कर सकते हैं. आप सबसे पहले तो देख सकते हैं गैप अप खुला, इसी लेवल से एक हैवी सेलिंग प्रेशर आया. अदर देन दैट ऊपर एक डबल टॉप भी क्रिएट हुआ इसी लेवल पे. इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक बियरिश पियर्सिंग कैंडल भी डेवलप होती हुई देखने को मिल रही है. सो मेरे हिसाब से अगर कल इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छी बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है. करेंट लेवल से 517,511 रुपीज का हम लोग 17,540 के ऊपर एक बाय सेटअप बना सकते हैं विद अ 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग. हमारा जो टारगेट होगा दैट शुड बी अराउंड 17,630-640 रुपीज का. बट अगर कल एक गैप डाउन देखने को मिलता है तो उस गैप डाउन के अंदर हम लोग शॉर्ट भी करके चल सकते हैं, बिकॉज एक बड़ी अपमूव देने के बाद अगर ये फॉल करता है तो वो फॉल भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बन सकता है. तो अगर वो फॉल आती है तो उस फॉल पे भी हम लोग एक साथ ले सकते हैं और वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं. सेम गोज विद बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में हम लोग एक बाय सेटअप अभी भी जनरेट कर सकते हैं. लेट मी शो यू, एक बहुत बड़ी इंपल्स मूव आई, उसके बाद ये भी दोबारा एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने लग गया था. लेट मी शो यू इसका जो रेंज है, ये देख सकते हैं इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने लग गया था. इस रेंज के अंदर इसने एक बढ़िया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है. ब्रेकआउट देने के बाद हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट शुड बी अराउंड 37,360-37,400 रुपीज का. अब अगर कल ये गैप डाउन ओपनिंग देता है तो उस गैप डाउन ओपनिंग में हम लोग क्लियरली शॉर्ट भी कर सकते हैं. ये जो बेस है इस बेस तक हम लोग अपना टारगेट मान के चल सकते हैं. ठीक है, सो आई थिंक यही है क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है. ज्यादा हैवी कॉल राइटर्स भी एक्टिव है, ज्यादा पुट राइटर्स भी एक्टिव है. सो मेरे हिसाब से मार्केट रेंज बाउंड भी दोबारा रह सकती है. ज्यादा बड़ी मूवमेंट कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को नहीं मिल रही है. सो एक बार ओपन इंटरेस्ट का डाटा को चेक करते हैं, उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं. सो बैंक निफ्टी का मैंने अपना ओपन इंटरेस्ट ओपन करा हुआ. अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो कॉल ऑफ पुट चेंज 5.1 मिलियन और 6.1 मिलियन है, तो यानी कि सिमिलर है. बट यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है. आप चेक करेंगे कॉल राइटर्स, आप चेक करते रहेगा स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से. हैवी कॉल राइटर्स कहाँ पर एक्टिव है, सबसे हाईएस्ट है 38,000, 37,500 और 37,000 पे. यानी कि हर 500 रुपए के गैप में हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव बैठे हुए हैं. बट अगर आप देखोगे पुट राइटर्स को तो पुट राइटर्स एक्टिव है 37,600, 700, 800, 900 और 37,000 पे. यानी हर स्ट्राइक प्राइस पे हैवी पुट राइटर्स एक्टिव है. सो मेरे हिसाब से अगर कल ये 37,100 इसका करंट प्राइस है, अगर ये 37,130 के ऊपर 15 से 20 मिनट भी कल मार्केट मॉर्निंग में ये रुक जाता है, इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो जितने भी ये पुट राइटर्स हैं, ये जो पीछे के पुट राइटर्स हैं, ये और आगे की तरफ एक्टिव होने के स्टार्ट होंगे, और ये जो कॉल राइटर्स हैं ये और आगे की तरफ एक्टिव होना स्टार्ट होंगे, और ये वाले कम हो जाएंगे. जैसे ये वाले कम होंगे, होगा क्या, अगर इसने बेस संभाल लिया, बिकॉज हर 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर्स एक्टिव है, तो मतलब हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इसके अंदर फॉलो करके रख सकते हैं. बट जैसे ये ब्रेकआउट देगा और ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो हमारे पास 500 रुपए की रेंज है जिस पे हम पता है कि एक बुलिश मूवमेंट आ सकती है. आप पॉइंट समझ रहे हो, अगर इस 37,200, 150 के ऊपर निकला तो हमारे पास ये पूरी रेंज खाली बड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर ज्यादा एक्टिव नहीं है और यहाँ पर हम लोग पूरा बाय की तरफ ट्रेड लेकर चल सकते हैं. यहाँ मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा, बट जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो ये पूरा 500 पॉइंट हमारे पास दोबारा खाली पड़ा हुआ है. बट हमारे पास पुट राइटर के समय अगर आप पूरा चेक करोगे तो हर स्ट्राइक प्राइस पे बड़ी बड़ी कॉल राइटर्स एक्टिव है, पुट राइटर्स एक्टिव है, तो हमारा बेस बहुत बढ़िया से बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग है. अब अगर हम लोग बात करें निफ्टी की, निफ्टी में बिल्कुल ऑपोजिट है. निफ्टी में हैवी कॉल राइटर्स 18,000 के अंदर है, तो हम लोग 500 पॉइंट दूर है तो उसको इग्नोर कर देंगे. 500 पॉइंट दूर है निफ्टी के लिए, तो अभी के लिए उसको इग्नोर हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव है 17,600 पे, ऑटोमेटिकली वही हमारा टारगेट है. एंड नेक्स्ट जो कॉल राइटर्स एक्टिव है 17,500 पे है.
मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा इसको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और करंट प्राइस भी 17,500 रुपीज चल रहा है। बट जैसे ही 17,530-17,540 ब्रेक होगा तो 60 to 70 points हमें निफ्टी इजिली दे सकता है। अब बात करते हैं पुट राइटर्स की, तो पुट राइटर्स एक्टिव है 17,400 रुपीज पे, सो यानी कि एक बेस भी नीचे क्रिएटेड है। अब आप चेक कर पा रहे होंगे कि कॉल राइटर्स 17 है और पुट राइटर्स 12.9 है, वो इसीलिए इतना ज्यादा वास्ट कॉल राइटर्स के अंदर चेंज है, बिकॉज 18,000 के अंदर एक हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव है। बट इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमारे करेंट लेवल से वो 500 पॉइंट दूर जा गया है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, डेफिनेटली अगर पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, कल और अच्छे से समझेंगे। पर टेलीग्राम चैनल के अंदर प्लीज ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहां पर मैं आपको अपडेट्स देते रहूंगा कौन से ट्रेड्स लेने हैं कौन से ट्रेड्स नहीं लेने हैं। इसके अलावा आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।